नहीं, देखो लागत तब लगाई जाती है जब कोई सौदा होता है। तो मैं रहने के लिए ये घर बनाया हूं, ये तो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। अगर मुझे बेचना हो तो वैल्यू है, तो खुद का रहने के लिए क्या वैल्यू है। वो तो आम घर है, खासियत क्या है, जो जो दिखता है वही वही खासियत है इसकी। सर मुझे तो घर है बस, मेरा अपना घर है, मुझे तो कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन दूसरों को स्पेशल दिखता होगा। नहीं, देखो लागत तब लगाई जाती है जब कोई सौदा होता है। तो मैं रहने के लिए ये घर बनाया हूँ, ये तो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। अगर मुझे बेचना हो तो वैल्यू है, तो खुद का रहने के लिए क्या वैल्यू है। रहने के लिए बनाया और बहुत से दोस्त हैं जो आए, एक मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताए, और बहुत अपने भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, और बहुत से ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स बहुत हैं, तो सबको ये आके मेरे घर में सब खुशी साथ दो। ये मेरी माँ और मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि मेरा एक घर हो, तो बस आज ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी की, मैं शुक्रगुजार हूँ। हाँ, नहीं, सियासत, हाँ ये पॉइंट आपने अच्छा पूछा। मुझे क्या, सब लोग बोलेंगे सियासती में आने के बाद घर बनाया वफा में, एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद। हालांकि मैं एक्टिव हूँ, 20-25 साल से एक्टिव पॉलिटिशियन हूँ। आपको भी पता है 2004 में मैं जिला पंचायत इंडिपेंडेंट खड़के हार चुका हूँ वर्तुल प्रकाश के साथ, और तब से मैं सोशल सर्विस में हूँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। आगे जाके क्या हूँ, आने नहीं, इलेक्शन में तो कुछ नहीं, इस इलेक्शन में तो कुछ नहीं, देखिए कांग्रेस को हमें पावर में लेके आना है कर्नाटक के अंदर। गफ्फार जी हैं जो हमारे परम मित्र हैं, और हमारा पार्टी से ज़्यादा परिवार जैसा संबंध इनके साथ है। जो ये परिवार है, ये एक तरह मिलनसार है, जैसा इनका समर्पण है ऐसे समर्पण से इन्होंने ये JBS हाउस बनाया है। हमारे को देखकर इतने कर्नाटका से साथी आए हैं इनके, तो हमने एक परिवार जैसी इन्होंने हमारे को सत्कार किया है, तो हम इनके इस घर के जो ये घर का गृह प्रवेश है इस पर हमने बेस्ट विशेष हमारे समस्त परिवार के तरफ से और हमारी बहन कुमारी शैलजा और कांग्रेस परिवार की तरफ से हम इनको देते हैं, और साथ में आप पत्रकार साथियों। देखिए सबसे पहले तो मैं गफ्फार जी को
इस गृह प्रवेश की हार्दिक बधाई देता हूँ। देखिए, हर इंसान का एक सपना होता है कि अपना घर हो, और अपने सपनों का घर हो, तो इस तरीके का घर आज जो गफार जी ने बनाया है बहुत ही बेहतरीन है और देखने लायक है। महल नुमा आज इन्होंने घर बनाया, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। सबसे पहले गफार बेग जी को इतने सुंदर घर के लिए, सपनों के घर के लिए बधाई देते हैं, और हम खासतौर पर हमारे परिवार को, हमारे परिवार फ्रेंड है ये, पूरा परिवार इनका बहुत अच्छा है, और इतने सुंदर घर में हमें भी मतलब देखने का, आने का यहाँ अवसर मिला, इसके लिए उनको भी मैं थैंक्स करती हूँ, और हमारे सारे परिवार की तरफ से गोपाल जी को, इनके पूरे परिवार को इस बेहतर घर के लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ।